नमस्कार साथियों, जैसा कि हमने पिछले क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ा था, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के बारे में, माइक्रोमीटर के बारे में कि माइक्रोमीटर क्या होता है और इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, इसके साइज कैसे होते हैं, इसके पार्ट्स क्या होते हैं और इसका आविष्कार किसने किया, इन सब सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ा हुआ था। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि माइक्रोमीटर में एक होता है सेफ और अनसेफ, मतलब माइक्रोमीटर सेफ है या अनसेफ है, इस चीज को समझना होता है। माइक्रोमीटर को यूज करने से पहले उसको चेक करना होता है कि यह सेफ है या अनसेफ है। तो जिस माइक्रोमीटर का रैचेट स्टॉप काम करता है उस माइक्रोमीटर को हम सेफ कहते हैं, और जिस माइक्रोमीटर का रैचेट स्टॉप काम नहीं करता है वह शुद्ध नहीं होता है, वह अनसेफ स्थिति में होता है। यानी सेफ और अनसेफ कंडीशन जो होती है माइक्रोमीटर की, जब भी हमें माइक्रोमीटर यूज करना होता है तो यूज करने से पहले हम माइक्रोमीटर को चेक करते हैं, तो इसमें आता है चेक करने में एक सेफ और अनसेफ कंडीशन इसका होता है। सेफ कंडीशन का मतलब है कि माइक्रोमीटर बिल्कुल सही है, इसके द्वारा हम किसी भी जॉब का माप ले सकते हैं, यानी अर्थात इसका रैचेट स्टॉप काम कर रहा है तो वह सेफ कंडीशन में है, और इसका रैचेट स्टॉप काम नहीं कर रहा है तो वह अनसेफ स्थिति में है, यानी उसके द्वारा माप लेने पे कम या ज्यादा होगा। तो सीधी बात है कि रैचेट स्टॉप का उपयोग क्या होता है, ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। अर्थात जब भी माप लेते हैं तो माप लेने के बाद रैचेट स्टॉप को घुमाते हैं, तो रैचेट स्टॉप से जब तक चट चट की टरटर की आवाज नहीं आती है तब तक उसको घुमाया जाता है। जब ये आवाज आने लगती है तो उसको माप नहीं लेना होता है, लॉकिंग स्क्रू से टाइट करके माप ले लेना होता है, रीडिंग पढ़ लेना होता है। तो ये होगी सेफ स्थिति। अनसेफ स्थिति में है तो उसको घुमाते रहेंगे, उसमें से आवाज आएंगी नहीं, आवाज आएंगी नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि कब तक इसको घुमाए, अर्थात माप में कुछ ना कुछ कमियां होंगी। और इसका जो मेजरमेंट है ये 0.01 mm की शुद्धता तक में माप करता है, माप लेता है। तो अनसेफ स्थिति में माइक्रोमीटर को यूज नहीं करेंगे। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो माइक्रोमीटर में त्रुटियां भी होती हैं, जो कि जिसको जीरो एरर कहते हैं, शून्य त्रुटि कहते हैं। तो माइक्रोमीटर के स्पिंडल और एनविल के फेस पर जब आपस में मिलते हैं तो थिम्बल की जीरो और बैरल या स्लिप की डॉटम लाइन एक साथ मिलनी चाहिए। माइक्रोमीटर के स्पिंडल और एनविल के फेस जब आपस में मिल जाते हैं तो थिम्बल की जीरो और स्लीव की डॉटम लाइन आपस में एक साथ मिलनी चाहिए, तब तो वो ठीक है। यदि वो आगे होता है तो भी गलत है, यदि वो पीछे होता है तो भी गलत है। तो स्पिंडल यानी स्लीव की डॉटम लाइन पे थिम्बल का जीरो मैच होना चाहिए, तभी माइक्रोमीटर सही है। और यदि ये आगे जाता है तो भी प्रॉब्लम, पीछे जाता है तो भी प्रॉब्लम, अर्थात माइक्रोमीटर में दो प्रकार की त्रुटियां होती है। एक होती है धनात्मक त्रुटि, पॉजिटिव एरर, और दूसरी होती है ऋणात्मक त्रुटि यानी निगेटिव एरर। तो बात करते हैं हम धनात्मक त्रुटि की। तो धनात्मक त्रुटि क्या होता है, जब थिम्बल की जीरो बैरल या स्लीव की डॉटम लाइन के पीछे रह जाती है तो धनात्मक त्रुटि होती है। जब थिम्बल की जीरो बैरल या स्लीव की डॉटम लाइन के पीछे रह जाती है तो धनात्मक त्रुटि कही जाती है। इस स्थिति में एरर को अगर ठीक न कर सके तो माप में से घटाया जाता है। धनात्मक त्रुटि में से माप को घटा लेंगे, जितनी त्रुटि होंगी जितना वो धनात्मक माप देगा उसको मेन में से घटा के सही माप लेते हैं। और वैसे ही ऋणात्मक त्रुटि होती है, इसमें क्या होता है कि थिम्बल की जीरो लाइन स्लिप पर लगी डॉटम लाइन के आगे चली जाती है तो वह ऋणात्मक त्रुटि हो जाती है। तो उसको क्या करते हैं कि मेन माप जो होता है, मुख्य मेजर जो होता है, उसमें से इसको ऐड किया जाता है। अर्थात जब भी माइक्रोमीटर हम यूज करेंगे तो इसके थिम्बल का जो जीरो लाइन है इसके डॉटम लाइन से आगे को चला जाता है तो
वह ऋणात्मक त्रुटि होगी, और यदि इसका ग्रेजुएशन जो है थिम्बल के जीरो लाइन से पीछे की ओर होता है तो वह धनात्मक त्रुटि होगी। तो धनात्मक त्रुटि में माप को घटा लेते हैं और ऋणात्मक त्रुटि में माप को जोड़ देते हैं, और इस त्रुटि को अच्छा करने के लिए, ठीक करने के लिए, सही करने के लिए एक माइक्रोमीटर के सेट में ही एक सी स्पैनर होता है, और सी स्पैनर के द्वारा इसको एडजस्ट किया जा सकता है। ऐसे माइक्रोमीटर यूज करने से पहले हम इसका पहले जीरो एरर चेक करते हैं, यदि जीरो एरर होता है तो उसको सी स्पैनर से हम सही करने के बाद ही यूज करते हैं, वरना यूज नहीं करना चाहिए। और यदि हमने चेक नहीं किया और ये जीरो एरर आती है, तो जीरो एरर दो प्रकार की है, धनात्मक और ऋणात्मक। यदि धनात्मक त्रुटि आती है तो उसको मेन माप में से घटाना होता है, और ऋणात्मक त्रुटि आती है तो उसको मेन माप में ऐड करना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं माइक्रोमीटर के प्रयोग करने से पहले सावधानियां क्या क्या होती है। तो माइक्रोमीटर को प्रयोग करने से पहले इसका जीरो एरर को ध्यान रखना चाहिए, और माइक्रोमीटर को प्रयोग करने से पहले उसकी एरर को सही करेंगे, काम के अनुसार माइक्रोमीटर का चुनाव करेंगे। माइक्रोमीटर विभिन्न प्रकार का होता है, और माप लेने से पहले स्पिंडल तथा एनविल के फेस को अच्छे से कपड़े से साफ करेंगे, इसको अच्छे से देखेंगे कि इसके फेस पर कार्बाइड लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, और इसका लॉकिंग स्क्रू अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, इसका रचेट स्टॉप काम कर रहा है कि नहीं, अर्थात इसके हर पार्ट्स को अच्छे से चेक करने के बाद ही माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। और माइक्रोमीटर को उपयोग करने के बाद इसको अच्छे से साफ करके इसको प्रॉपर वे में अच्छी तरीके से सही से रखा जाता है, इसका अलग से सेट होता है, उस डब्बे में इसको अच्छे से रखना चाहिए। इसको हमें कभी भी कटिंग टूल्स के साथ यूज नहीं करना होता है, माइक्रोमीटर को कभी भी कटिंग टूल्स के साथ नहीं रखना होता है, क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण औजार है, इंस्ट्रूमेंट है, और यह प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, सूक्ष्म माप यंत्र, इसको कटिंग टूल्स के साथ कभी भी टच नहीं कराना होता है। और बात करते हैं माइक्रोमीटर के लिस्ट काउंट की, बात करते हैं तो माइक्रोमीटर के लिस्ट काउंट हमने बताया है कि एमएम में 0.01 और इंच में 0.001 इंच होता है। तो एमएम में 0.01 कैसे होता है, इसको हम नॉर्मली अभी समझाने की कोशिश करते हैं। जो इसका स्पिंडल होता है, माइक्रोमीटर का जो स्पिंडल होता है, उस स्पिंडल पे 25 mm होता है, यानी 25 mm तक के माप लेते हैं, और थिम्बल पे 50 खाचे कटे होते हैं, थिम्बल 5-5-5-5 कवर से करके 50 लाइनिंग होती है, 50 mm तक होता है। तो जब वो थिम्बल एक चक्कर पूरा घूमता है तो स्पिंडल 0.5 mm यानी आधा mm आगे की तरफ निकलता है। तो हम कह सकते हैं कि जब ये एक चक्कर घूमता है इसका थिम्बल, तो ये 0.5 mm आगे निकलता है, तो यानी आधा एमएम 1/2 अर्थात 0.5 mm। तो ये और इसका जो पूरा माप होता है 25 mm, यानी 1/2 और ये जो होता है 25 mm, ये 25 mm थिम्बल जो होता है, थिम्बल पे 50 mm होते हैं, स्पिंडल का जो 25 mm होता है वो थिम्बल के 50 mm के बराबर हो जाता है। तो जो स्पिंडल हमारा आधा खुलता है, थिम्बल एक चक्कर पूरा घूमता है, तो थिम्बल एक चक्कर घुमा तो स्पिंडल हमें आधा mm खुलता है। तो इस प्रकार ये हम करते हैं कि 1/2 मतलब आधा ये स्पिंडल का, और भाग देते हैं पूरे थिम्बल से, थिम्बल पे 50 mm होते हैं, 1/2 / 50, तो ये आ जाता है कि 1/100। उसके बाद 1/100 का मतलब होता है 0.01 mm। ऐसे ही इंचेस में सिस्टम होता है कि वो जो होता है उसमें 40 खांचे होते हैं, 40 दांते बने होते हैं, और जो थिम्बल होता है वो 25 होता है, 25 mm तक होता है, 25 इंच तक होता है। तो इंचेस की बात करते हैं तो वो हो जाता है कि 1/40 इंच और डिवाइडेड बाय 25, तो वो भी आ जाता है 1/1000 यानी 0.001 इंच।
इस प्रकार माइक्रोमीटर के द्वारा एमएम में 0.01 और इंच में 0.001 इंच की शुद्धता में माप लेते हैं। अब बात करते हैं कि माइक्रोमीटर कितने प्रकार के होते हैं, तो कार्य के अनुसार विभिन्न आकार के होते हैं और विभिन्न प्रकार के माइक्रोमीटर अपने काम के अनुसार चूज किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। हब माइक्रोमीटर होता है, ट्यूब माइक्रोमीटर होता है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर होता है, वी एनविल माइक्रोमीटर होता है, इनसाइड माइक्रोमीटर होता है, आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है, डेप्थ माइक्रोमीटर होता है। तो ज़्यादातर हमें आईटीआई में आउटसाइड माइक्रोमीटर, जो हमने अभी पिछले क्लास में बताया था, वो आउटसाइड माइक्रोमीटर ही था। नॉर्मली माइक्रोमीटर जब भी हम नाम लेते हैं तो आउटसाइड माइक्रोमीटर ही होता है, नहीं तो काम के अनुसार हम माइक्रोमीटर का चुनाव करते हैं। तो पहला हो गया आउटसाइड माइक्रोमीटर, उसके बाद इनसाइड माइक्रोमीटर, बाहरी माप लेनी हो, आउटर माप लेना हो तो आउटसाइड माइक्रोमीटर, अंदर का माप लेना हो, इनर माप लेना हो, इंटरनल माप लेना हो तो इनसाइड माइक्रोमीटर, गहराई मापनी हो, स्लॉट की ऊंचाई मापनी हो, किसी भी ग्रूव की गहराई मापनी हो तो डेप्थ माइक्रोमीटर, किसी भी स्क्रू थ्रेड को मेजर करना है तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, वी एनविल यानी वी शेप के भी जो भी जॉब होंगे उसका मेजर करना होगा तो वी एनविल माइक्रोमीटर, सीट माइक्रोमीटर यानी जो सीट की मोटाई होती है उसको मेजर करना होता है तो सीट माइक्रोमीटर होता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के माइक्रोमीटर का यूज किया जाता है। तो हम ज़्यादातर इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर के बारे में बात करते हैं और ये तीनों एक ही होता है, एक ही तरीके के सारे सिस्टम होते हैं, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंट होता है और इस प्रकार इस माइक्रोमीटर को हम यूज करते हैं। प्रायः माइक्रोमीटर इनवायर स्टील का ही बना होता है और यह बहुत ही उपयोगी होता है, इसके द्वारा हम बहुत सारे काम के अनुसार चुनाव करके और इसका माप लेते हैं। थैंक यू।